पाकिस्तान का वक्त आ गया है। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, एब्सोल्युटली नॉट, डिफाई कर दें उसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, ये आपको धमकियां देते रहेंगे, आपको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ये भाग जाएंगे। इनका अपना मुहावरा है, इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम। हमारे पास अब वक्त आ गया है कि हम मुतालबा करें। वो डू मोर कहा करते थे, अब कहो कि यू हैव टू डू मोर। साथियों, आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, ठीक है। आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। अच्छा, और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, बिलावल भुट्टो सरदारी। मेरा ख्याल है कि कोई शख्स सबसे बड़ा जो करप्ट होता है ना जी, ये उसकी निशानी है। उसको अपने दाएं और बाएं जो करप्ट तरीन लोग हैं और बदनामे जमाना लोग हैं, वो उसको नजर नहीं आते। मैं याद रखना, एक चीज जो नहीं भूलनी वो है सब्सक्राइब करना, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है दुनिया में, सबसे ज्यादा जरूरी खाने के बाद है सब्सक्राइब करना। तो जाओ और सब्सक्राइब। यार अपना अभी मैंने स्लश पिया है, देखो मेरी जुबान ब्लू हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे जादू का मुंह में लेके आए हो। तौबा तौबा तौबा, ऐसा लग रहा है जैसे जादू का मुंह में लेके आए हो। ये बाबा बाबा पे यकीन रखते हो? कभी कोई दुआ कराने गए हो बाबा के पास कि ये मसला हल हो जाए आपका? एक दफा किया था मैं बाबा के पास ना, अपनी बीवी की लड़ाई खत्म करवाने। फिर लड़ाई खत्म हो गई? लड़ाई खत्म नहीं, जब गया तो पता चला कि वो बाबा का खुद तलाक हुआ हुआ था। खत्म। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए अब।